अच्छा, पर यार तुम बता तो दो हमको, कल लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ इस बेंच में डाल लो खामखा। देखो बेटा, जिज्ञासा और उत्तेजना को संभाल के रखो, सुहागरात पे काम आएगी, समझे? कल बोले तो कल। अरे तो बता ही काहे नहीं हमको अम्मा, बताना चाहिए था ना। त्रिलोकी भैया। ओहो, तो आ गए तीसरे बादशाह, त्रिलोकी भैया आ गए। अबे सुनो, हम बाद में फोन करते हैं तुमको। हम भी भाई हैं और बड़े हैं राधे से। अरे लल्ला, हम बताएं, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया है। हमने बात छुपाई थोड़ी ना है, अब भला ये कोई बात छुपाने वाली है? अरे छुपाई नहीं छुपाई, बात तो एक ही है ना, और वो ये कि हम तुम्हारी असली औलाद ही नहीं है। हम तुम बाहर से उठा के लेकर आई हो कहीं से? नहीं नहीं, वो कंबाडिया से उठा के लाई हो। बताओ है? अरे रिश्ता तय हो गया है? लड़की फाइनल हो गई और हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई। अरे मतलब भाई, मतलब भाई। हमारी इस घर में कोई वैल्यू है कि नहीं? बताओ, हाँ बताओ। नहीं बहू, क्या खाक लिया? जो नई दुल्हन आएगी वो क्या खाक इज्जत करेगी हमारी है? मतलब हमारी इस घर में कोई जगह नहीं, कोई वैल्यू है? इम्पोर्टेंट, कोई इम्पोर्टेंट है कि नहीं? नहीं है। पापा जी, हम तो ये अम्मा को कह रहे थे कि कह रहे तुम थे, इतनी देर से भौंक रहे थे ना, सब सुन रहे थे हम। सिर्फ दो दिन बोलकर गए थे और दो सप्ताह से मास्टर इंडिया बनके अपने ससुराल में घूम रहे हैं और हमको इम्पोर्टेंस समझा रहे हो तुम। हम बताते हैं तुमको इम्पोर्टेंस क्या होता है। हम है इम्पोर्टेंस, हम समझो कि नहीं? हमको जो ठीक लगा हमने वो किया, अब तुम चाहे कपाट पीटो सर फोड़ो, जो तुमको ठीक लगे वो करो। चले इम्पोर्टेंस बताने। अरे पापा जी, आप पापा आप बिल्कुल सही किए, मतलब सब ठीक है। हाँ ठीक है ना। देखो इनको, ये दो सप्ताह ससुरारी क्या रह गए, सब संस्कार भूल गए, आए तो बाप के पैर तक नहीं छुए। अम्मा का कौन छुएगा बे? नहीं नहीं, छू ली, छुआ ली। पापा जी के सामने आते ही मुंह में दही जम जाती है। शादी ब्याह का घर है, 50 काम है। अरे सुन रही हो, इनको काम वाम बताओ, लगाओ इनको काम पे। -3 = 4/3, hence proved. Okay, सब क्लियर है ना? Yes. Okay. अच्छा स्टूडेंट्स, वो दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? आज की क्लास ओवर। क्या हुआ बेटो, परेशान लग रही हो? सब ठीक है? सब गलत हो रहा है। शुक्ला परिवार से फोन आया था, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी है, हमारा रिश्ता तय हो गया है। What? What nonsense? पर वो राधे तो तुम्हारी बात, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। बेटो तुम्हें चाचा जी से बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा अभी और इसी वक्त हमारे रिश्ते के बारे में, हमारे सपने के बारे में। बेटो और छुपा के कोई फायदा नहीं है। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, किंग्स मेडिकल कॉलेज लंदन से लेटर आया है। तुम्हारे 12वीं के रिजल्ट के बाद हमने उन्हें ईमेल लिखा था, उसी का रिप्लाई। बिट्टो अगर तुम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेती हो ना, तो तुम्हें वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। पढ़ो। तुम्हें बड़ा भरोसा था ना उस राधे पे, हमने कहा था तुमसे, तुम्हारे लिए ना कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। हमें दिल का साफ लगा था वो, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे हमसे किसी ने पूछा नहीं है, हो सकता है कि उसके घर वालों ने उसे बिना पूछे शादी तय कर दी हो। ठीक है, उसे अभी फोन लगाओ और लाउड स्पीकर पे डालो, बात करो और पूछो कि उससे क्या रायता हुआ। मान सम्मान भी कोई चीज होती है, यहाँ हमारी किसी को पड़ी नहीं है,
जी हजूरी करते रहो पापा जी की, बस कुछ उम्मीद मत रखो। ऐसे मन छोटा मत कर बेला, इधर आ, इधर आना। ये ले चक, और बता कैसा है? तीखा है। अचार तीखा है भाभी, मगर आपकी होने वाली देवरानी बहुत ही स्वीट है। देवर जी, वो चाहे सूट हो या कूट हो, हमको काहे बता रहे हो? हमारी का औकात इस घर पे? हमसे पूछी कौन रहा है? अरे भाभी, हम पूछ रहे हैं आपके देवर राधेलाल शुक्ला, सिविल लाइंस कानपुर। आप ओके करेंगी तो हम शादी के लिए हाँ बोलेंगे, वरना मना कर देंगे। सच कह रहे हैं? नहीं, नीचे ये लल्लो चप्पू ना बेटा, तुम अपने पास ही रखो। अगर अभी उनका फोन आ गया ना, तो उदबुलाओ की तरह मचलते हुए फोन उठाने भागोगे तुम। राधे लाल शुक्ला, सिविल लाइन कानपुर। अब ये फोन नहीं उठाओगे तुम? राधे जी, फोन उठाइए प्लीज। भाभी नहीं, भाभी प्लीज। नहीं मतलब नहीं, भाभी प्लीज। भाभी वो पहली बार फोन कर रही है हमको, अगर नहीं उठाया तो गजब हो जाएगा भाभी। जाओ राधेलाल शुक्ला, जी लो अपनी जिंदगी। फोन नहीं उठा रहे, फिर ट्राई करो। हेलो। हेलो राधे जी, आपने हमें धोखा क्यों दिया? जी देखिए, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपको समझाए थे, दिल खोल के आपके सामने रख दिए थे। हमने आपसे वादा लिया था कि आप इस शादी के लिए मना कर देंगे, फिर क्यों आपके घर से फोन आया कि आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर है? अब क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? हम आपके एग्जाम में फेल नहीं होना चाहते कृष्णा जी, हमको पास होना है। हम आपके हर इम्तिहान में पास होकर रहेंगे कृष्णा जी। राधे जी, आप क्या बुदबुदा रहे हैं? क्या इम्तिहान और क्या पास फेल? देखिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम समझाते हैं ना आपको। देखिए राधे जी, हमें कुछ समझना कुछ समझाना नहीं है, आप हमें सीधा जवाब दीजिए, आप हमारी मदद करेंगे या नहीं? अब काहे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे कृष्णा जी। हाँ तो ठीक है, आज 4 बजे तक आपके घर से हमारे पापा को फोन आ जाना चाहिए कि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल, कल शाम को 4 बजे आपके घर पे फोन आ जाएगा कि ये रिश्ता कैंसिल। धन्यवाद। आई लव यू टू कृष्णा जी। नहीं भी लूल थोड़े ना, आपने कहा और हमने मान लिया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।